नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भैया, महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है ना, उसका इंतजार कितने ज्यादा बेसब्री से किया जा रहा है ये तो सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। आए दिन इसके नए नए स्पाई शॉट्स आते रहते हैं, जिसे देख कर लोग अपने मन में इसे बिना कैमोफ्लेज के इमेजिन करते हैं कि वाकई में इसको कैसा बनाया गया है और लॉन्च होने के बाद ये कैसी दिखेगी। हालांकि कुछ तो सोच में इस कदर डूब जाते हैं कि वो टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो को ही स्कॉर्पियो बना देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर, रिसेंटली मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर इसका बिना कैमोफ्लेज वाला एक ओरिजिनल स्पाई शॉट दिखाया था, जो टीवीसी शूट के दौरान लिया गया था, और उसमें इस एसयूवी का फ्रंट डिजाइन साफ साफ विजिबल हो रहा था। हालांकि उस स्पाई शॉट को हटाने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर भी पड़ा, कुछ जिंदा पकड़ना है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, एक बार इंटरनेट पर जो चीज चली जाती है उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। खैर, वो सब अलग बात है। रिसेंटली फिर से महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक और स्पाई शॉट सामने आया है, जो रश लेन ने अपने वेबसाइट पर शेयर किया है। हालांकि ये कैमोफ्लेज के साथ है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा स्पाई शॉट है जिसे देखकर आपको एसयूवी के रोड प्रेजेंस का अंदाजा साफ साफ लग जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे बीस्ट के बगल में खड़ी है जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक है। मैं बात कर रहा फोर्ड एंडेवर की। तो भाई, फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एंडेवर के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो की हाइट ज्यादा है, लेकिन लेंथ वगैरह कम है। ऑब्वियसली इतना तो डिफरेंस होगा ही, वो एक 40 लाख की बड़ी एसयूवी है। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो भी कुछ कम नहीं लग रही। जिस तरह से इसका प्राइस रेंज है, उस हिसाब से तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब एंडेवर फॉर्च्यूनर के बगल में खड़े होकर ऐसा फील नहीं आएगा कि ये उससे कम है, कम पैसों में बराबरी वाला फील आएगा। जलवा है हमारा। तो भैया, जो है यही सब है। बाकी इंजन वगैरह में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 लीटर वाला एम एस्ट्रेलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर वाला एम हॉक डीजल इंजन मिल जाएगा। इसके अलावा 4x4 तो आना ही आना है। अब देखते हैं इसकी लॉन्चिंग कब होगी। वैसे तो उम्मीद है 3-4 महीने के अंदर इसे रिवील कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंपनी के ऊपर है। उनका जब हिसाब किताब बैठेगा और गाड़ी पूरी तरह से तैयार होगी, तब इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा।